हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे VLSM. VLSM स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस रिगार्डिंग FLSM क्लास ए बी एंड सी. सो इन दिस वीडियो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी VLSM से. सो आई होप यू विल लाइक इट. सो जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मैंने एक नेटवर्क लिया है जिसमें एक नेटवर्क एड्रेस है, दैट इज 192.168.10.0. द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन VLSM एंड FLSM इज दिस कि FLSM के मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो ऐसे होंगे कि इतने नेटवर्क्स चाहिए ना, वी रिक्वायर 10 नेटवर्क्स या 100 नेटवर्क्स या 5000 नेटवर्क्स. और VLSM के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अराउंड होस्ट होते हैं. सो दैट मीन्स सो मेनी होस्ट आर रिक्वायर, 40 होस्ट, 60 होस्ट, 20 होस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे. सो वहीं पे आपकी एक डिस्क्रिमिनेशन आ जानी चाहिए कि ओके, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग फॉर नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू FLSM. अदरवाइज अगर होस्ट की बात आ रही है तो VLSM. पर पहला पॉइंट ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. हमारा काम चल तो रहा था FLSM से. दिक्कत वहां पे ये आ रही थी कि वहां पे हमारी वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस बहुत हो रहे थे. जैसे अगर आपने मेरी क्लास सी वाली एग्जाम्पल की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने दिखाया है कि अगर मेरे को इसी सेम नेटवर्क मैंने लिया है कि इस एक नेटवर्क में व्हेन टू राउटर्स आर कनेक्टेड ओनली टू आईपी एड्रेसेस आर रिक्वायर्ड. एक आईपी यहाँ पे, एक आईपी यहाँ पे, बट वहां पे भी वो 30 आईपीज दे रहा था बिकॉज सबनेट मास्क फिक्स था. अब इन केस ऑफ VLSM जब हमारे पास सबनेट मास्क फिक्स नहीं है, नाम से है ना, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जब हमारा सबनेट मास्क फिक्स नहीं है उस केस में हमारी वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस मिनिमम हो जाती है. मुझे यहाँ पे दो आईपी चाहिए, ओके, मुझे एग्जैक्ट दो आईपीज मिल जाएंगे. हाँ, दो या चार आईपीज मुझे फालतू मिल सकते हैं, बट अगर मैं उस चीज को ऐसे भी लू कि आज मेरे पास सिस्टम में 60 पीसी है लेकिन कल को 62 या 64 हो जाते हैं, तो उतनी अगर मेरे को स्केलेबिलिटी वाला एक मार्जिन रखना भी है तो ओके है. सो जस्ट अगर मैं कहूं कि VLSM इट मिनिमाइजेस द वेस्टेज, हाँ ये पूरी तरह खत्म नहीं करता वेस्टेज ऑफ आईपी, लेकिन हाँ इट मिनिमाइजेस टू अ मच एक्सटेंट. सो शुरू करते हैं इसकी एग्जांपल से, फिर आपको थोड़े और क्लियर होगा. जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया एक नेटवर्क एड्रेस लिया 192.168.10.0, तो अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास तीन राउटर्स हैं या तीन नेटवर्क्स हैं जिसमें एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 60 होस्ट, दूसरे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है 40 होस्ट. यानी इसका मतलब क्या है कि ये राउटर आगे एक स्विच के साथ जुड़ा है और वो स्विच चाहे आगे पीसीस के साथ जुड़े हैं, लेकिन इसको कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए इस नेटवर्क को, 40 होस्ट. और यहाँ पे कितने आईपीस चाहिए, 60 आईपीस. और इसी तरह यहाँ पे 20 आईपीस. और यहाँ पे अगर हमें ना भी कोई बताए तो हमें पता है कि जब दो राउटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो एक आईपी मुझे यहाँ पे चाहिए और एक आईपी मुझे यहाँ पे चाहिए. दैट मीन्स मुझे टोटल कितने आईपीस चाहिए, 2 होस्ट. सिमिलरली हियर, तो स्टेप वाइज ही हम काम करते हैं. तो इसमें जो पहला जो स्टेप रहता है कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स है मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी. यानी फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वायर्ड हियर 60, देन 40, देन 20 एंड देन 2 एंड 2. सो मैंने उसी वे में मैंने ये लिख लिया, पहले 60, फिर 40, फिर 20, फिर 2 2. अब एक एक नेटवर्क सॉरी एक एक होस्ट को रिक्वायरमेंट को हम उठाएंगे. मैंने पहले उठाया 60 ना, तो यहाँ पे लिखा स्टेप, सेम वही स्टेप्स हैं, जस्ट एक ट्विस्ट है वो मैं बताऊंगी आपको कि डिटरमिन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइंडिंग. अब
60 को जब बाइंड्री में कन्वर्ट करना है, सिमिलरली वही स्टेप्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं वीडियोस में कि मैं 60 को इस तरीके से बाइफ्रिकेट करूंगी, बट जस्ट मेरे को देखना क्या है कि पहला वन कहाँ पे आएगा, 32, मुझे बाकी एग्जैक्ट वंस या उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा 60 को जो मैं बाइंडी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मेरा पहला वन कहाँ पे आ रहा है, 32 के अंदर, तो मैं वहीं से काउंट करूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर क्या आया, 6 बिट्स। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने कहा रिजर्व द बिट्स इन सबनेट मास्क। मैं इसको एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये क्लास सी है, ऑब्वियसली एज्यूम किया ये नंबर ही हमारे पास ये क्लास सी का है, तो मैंने इसको सबनेट मास्क किया 255.255.255.0 जिसको हम /24 भी बोलते हैं। तो मैं इस एक लास्ट ऑक्टेट को 8 जीरोस में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बिल्कुल। अब मैंने देखा उसके बाद कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या था, 6 बिट्स। अब यही ट्विस्ट है FLSM और VLSM, यही डिफरेंस है। VLSM में हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेप वन का आंसर है 6, तो मैं उतने ही जीरोस फ्रॉम राइट इंट्रोड्यूस करूंगी, जैसे 6 है तो 6 जीरोस फ्रॉम राइट। FLSM में हम क्या करते थे, उतने वंस फ्रॉम लेफ्ट, जो हमारी बिट्स आती थी उतने ही वंस, नंबर ऑफ वंस हम फ्रॉम लेफ्ट इंट्रोड्यूस करते थे, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम राइट इंट्रोड्यूस करेंगे और रेस्ट ऑफ द पोजिशन को हम वन के साथ फिल कर देंगे। जब हमने रेस्ट ऑफ द पोजिशन को वन के साथ फिल कर दिया तो ये कौन कौन सी पोजिशन पे थे, 128 और 64। तो अगर मैं 128 प्लस 64 करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 192। देन स्टेप 3 में हमारा होता है ब्लॉक साइज निकालना। अब ब्लॉक साइज दो तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि 256 माइनस जो लास्ट ऑक्टेट है मेरी, दैट इज 192, मैं इस तरीके से भी कर सकती थी। और सिंपल वे एक और है टिप, वो ये, आप इस सबनेट मास्क में देखिए यहाँ पे लास्ट बिट किस पोजिशन पे ऑन है, किस पोजीशन पे ऑन है। अब ये देखिए लास्ट वन किस पोजीशन पे ऑन है, 64 पे, वही मेरा ब्लॉक साइज होगा। तो मैंने वो क्या किया, 64 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस नेटवर्क को लेकर चलती हूँ, जो स्टेप 4 हमारा होता है नेटवर्क एड्रेसेस, जब हम सबनेटिंग में सबनेट्स बनाते हैं तो 10.0 से शुरू हुआ। अब मैं ये 64 इसमें ऐड करूंगी, लेकिन कहाँ पे ऐड करूंगी, लास्ट टच्ड ऑक्टेट में। लास्ट टच्ड ऑक्टेट में अगर मैं 192, जैसे यहाँ पे लास्ट टच्ड ऑक्टेट है, तो मैं लास्ट टच्ड ऑक्टेट में ही 64 ऐड करती हूँ। ठीक है, डन। लेकिन ये फर्स्ट सबनेट क्या बनेगा मेरा, 192.168.10.0 से लेके 10.63 तक। अच्छा, मुझे नेक्स्ट आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, 60 होस्ट की, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो यहीं पे फुलफिल हो रही है, 10.1 से लेके 10.62 तक। हाँ, दो आईपीज मेरे पास एक्स्ट्रा मिले हैं मुझे, बट ओके, दैट्स अगेन फाइन। तो 10.62 तक, सो 10.1 से लेके 10.62 तक मेरे पास होस्ट आईपीज मुझे यहाँ पे मिल गए, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस नेटवर्क का, यानी इस राउटर से जितने स्विच या जितने पीसेस जुड़ेंगे उनका नेटवर्क एड्रेस क्या रहेगा, 192.168.10.0। बट यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होगा, ये वाला, दैट इज 255.255.255.192, या जिसको मैं सिंपल भाषा में लिख देती हूँ /26, क्योंकि 8 बिट्स यहाँ पे, 8 बिट्स यहाँ पे, 8 बिट्स यहाँ पे और 2 बिट्स यहाँ पे, सो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स बनी, 26 बिट्स। सो ये हमारा नेटवर्क एड्रेस फॉर दिस सबनेट बन गया, फाइन। अब मेरी सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है 40 होस्ट की, तो मैं सेम स्टेप्स के साथ 40 होस्ट में जाती हूँ। तो 40 होस्ट में भी मैंने वही देखा, 40 को बाइंड्री में कन्वर्ट किया तो अगेन मेरे पास 6 बिट्स आए, फिर से मैंने ब्लॉक साइज वैसे ही निकाला। बट यहाँ पे जो स्टेप 4 में आएगा, मैं 10.0 से नहीं शुरू करूंगी, क्योंकि 10.0 से लेके 63 मैं ऑलरेडी 60 होस्ट वाले में यूज कर चुकी हूँ। तो मैं इस केस में मैं यहाँ पे यूज करूंगी 10.64, यानी नेक्स्ट सबनेट से। सो 10.64 से लेके ये जाएगा 10.127, क्योंकि थर्ड सबनेट कहाँ पे जाएगा, 10.128 पे, यानी ये वाला सबनेट कहाँ पे फिनिश होगा, 10.127 पे। तो अगेन अ
वेस्टेज है बट उतनी नहीं है जितनी हमारे पास एफएलएसए में रहती है. सो थर्ड मेरे पास आती है ये. अच्छा यहाँ पे एक और चीज कि ये अब मेरा नेटवर्क एड्रेस क्या आ गया 40 के लिए, 40 इस नेटवर्क के लिए राउटर 2 के साथ नेटवर्क के लिए, ये है 192.168.10.64 ना /26. अगेन बाय चांस है ये सेम आ गया बट दिस इज VLSM सो इट मे और मे नॉट वेरी फाइन. सो यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी रिक्वायरमेंट 20 होस्ट की. सो जब मैंने 20 होस्ट के लिए काम किया सो सेम वैसे ही 20 के लिए पहला 1 किसके अंडर आएगा 16 के अंडर. तो मैं इसको काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5. सो टोटल मेरे पास कितने बिट्स बनी 5 बिट्स. अब स्टेप 2 में वैसे ही मैं अगर मैं सबनेट मास्क में मैंने 5 जीरोस फ्रॉम राइट इंट्रोड्यूस करूंगी और रेस्ट ऑफ द पोजीशन पे क्या फिल कर दिया 1. सो रेस्ट ऑफ द पोजीशंस कौन सी हैं 128, 64 और 32. और तीनों को अगर 128 प्लस 64 प्लस 32 अगर मैं करती हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 224. अब 224 है तो वही ब्लॉक साइज का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया था कि 256 माइनस लास्ट टच डॉक्टेड करती हूँ तो आंसर आता है 32. या अदर वे अराउंड करूँ कि लास्ट वन कौन सी पोजीशन पे ऑन है 128 64 32 होता है ना, तो लास्ट वन कौन सी पोजीशन पे ऑन है 32 पे. सो ब्लॉक साइज क्या है मेरा 32. अब स्टेप 4 जब हम सबनेटिंग करते हैं तो मेरे पास अब मैं कहाँ से शुरू करूंगी. देखिए स्टेप ये जो इसके पिछले वाला था कहाँ पे खत्म हुआ था 10.127 पे. सो अब वाला नेटवर्क मैं कहाँ पे शुरू करूंगी 10.128 से ना. अब अगेन 32 इसमें ऐड करूंगी तो 32 ऐड करके ये नेक्स्ट बन जाएगा 10.160. यानी ये वाला सबनेट कहाँ तक खत्म होएगा 10.159 तक. सो मेरे को जो यूजेबल आईपीज होंगे वो 10.129 से लेके 10.158 तक रहेंगे. सिमिलरली अब नेक्स्ट मेरी जो रिक्वायरमेंट है अगर मैं इस रिक्वायरमेंट पे देखूं तो रिक्वायरमेंट मेरी नेक्स्ट है 2, ये वाले 2 होस्ट की. तो 2 होस्ट के लिए मेरे पास 2 होस्ट के लिए मैंने फिर से वही डिटरमिन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. तो इसमें जब आप करते हैं तो यहाँ पे फिर से वही कि 2 के लिए जब मैंने बाइनरी में कन्वर्जन की तो पहला 1 यहाँ पे आया ओके 1 एंड 2. सो आंसर यहाँ पे जो आ रहा था दैट इज 2 बिट्स. ठीक है अब जब 2 बिट्स आए तो मैंने 2 जीरोस इंट्रोड्यूस कर दिए फ्रॉम राइट. रेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे मैंने क्या डाल दिया 1. तो जब रेस्ट ऑफ द पोजीशंस पे 1 डाला तो टोटल नंबर क्या आया दैट इज 6 वंस. तो 6 वंस का आंसर क्या होता है 252 बिकॉज आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बट यस आई कैन टेल यू दिस अगेन दैट इफ 1 बिट कम्स अप तो आंसर होता है 128. 2 बिट्स ऑन हो तो 192. 3 बिट्स ऑन हो तो 224. 4 बिट्स ऑन हो तो 240. 5 बिट्स ऑन हो तो 248. 6 बिट्स ऑन हो तो 252. 7 बिट्स ऑन हो तो 254 और 8 बिट्स ऑन हो तो 255. ये मेरे पास एक टेबल मुझे याद करना चाहिए अगर मुझे CCNA सर्टिफिकेशंस करनी है या सबनेटिंग अगर समझनी है तो ये टेबल मुझे याद होना चाहिए बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू वोंट गेट इनफ टाइम. You would be have not more than 1 minute to solve such a big question. So, आप लोगों को ये चीज याद ही कर लेनी चाहिए कि अगर 6 ones हैं, तो उसका total क्या आएगा 252. So, 252. Fine. So, अब block size क्या आया That is 4. अब 4 तो आ गया मेरे पास पर पिछला नेटवर्क कहाँ पे खत्म हुआ था 159 पे. यानी ये नेटवर्क शुरू कहाँ से होगा 160 से. अब अगेन मैं इसमें 4 डालूंगी 4th ऑक्टेट में तो दैट वुड गो टू 164 फॉर द नेक्स्ट सबनेट. सो यानी ये 160 कहाँ पे खत्म होएगा 163 पे और इसके बीच के यूजेबल होंगे 161 और 162. यानी एग्जैक्टली जितने मुझे चाहिए थे 2 सबनेट्स सॉरी 2 आईपी एड्रेसेस मुझे इस सबनेट में एग्जैक्टली मुझे 2 आईपीज ही मिले.
मुझे ये नहीं मिला कि मुझे जितने बाकियों को आईपीएस मिले उतने मिले, नहीं, मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी। बट ये क्यों हो सका? क्योंकि मेरा सबनेट मास्क चेंज हो रहा है। जब मेरा सबनेट मास्क चेंज होगा तभी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। सेम केस मैं नेक्स्ट टू बिट्स के लिए भी यहाँ पे भी करूंगी कि टू होस्ट चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे भी एग्जैक्ट उतने ही मुझे टू जीरोस इंट्रोड्यूस किए, देन फिर मुझे सिक्स वंस। बट हमें याद यहाँ पे क्या रखना है कि यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस जो होगा, जैसे ये है तो 10.160, सो यू कैन सी हियर ऑल्सो कि मैंने यहाँ पे 10.160 दिया और इसका सबनेट मास्क देखिए 8.8.8.24 प्लस, सॉरी आई एम मूविंग हियर, 8.8.8.24 प्लस 6.30, तो यहाँ पे ये देखिए, सो स्लैश 30, सो एग्जैक्ट मुझे उतने ही होस्ट चाहिए और उस हिसाब से ही मुझे वही सबनेट मास्क मिला। और जिस हिसाब से देखिए, इसी हिसाब से कि मेरे सबनेट मास्क सब जगह डिफर भी हो सकता है, हेयर इट इज 30, हेयर इट इज 26, सो हेयर इट इज अगेन 26, बट सो यहाँ पे मेरे पास ये 30 है। सो दिस कंप्लीट्स माई टूडेज टॉपिक ऑफ VLSM. आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।